सो हेलो ऑल ऑफ यू, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज आपने सुना होगा कि रितुराज चौधरी फ्रॉम बेगूसराय बिहार आईआईटी मणिपुर सेकेंड ईयर के छात्र ने जो गूगल में बग ढूंढा है, उसी सिलसिले में आज का वीडियो है कि क्या आप बग नहीं ढूंढ सकते या बग ढूंढने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। जो भी बच्चे अभी 11th 12th में हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो भविष्य में अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे बड़े मैं कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं जो लोगों को लगता है कि अगर ऐसा होगा तो ही मैं ऐसा कर पाऊंगा, तो उन पॉइंट्स को मैं पहले हटा देता हूं। तो सबसे पहला तो ये है कि कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच होगा तो ही मैं ऐसा कर पाऊंगा, जो बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो आप ये कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये कंडीशन नहीं है कि आपका सीएससी ब्रांच होना चाहिए। दूसरा, आपने रितुराज चौधरी का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग का उन्हें अच्छा नॉलेज था, तो उसके कई सारे कोर्स भी आते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप उसको सीख भी सकते हो या यूट्यूब पे भी से भी सीख सकते हो। तो ये चीज आपको कोर्स में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप अलग से सीख सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रितुराज वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, अभी उन्होंने बीटेक भी कंप्लीट नहीं की है, तो ये कंप्लीट बात है कि ये जो उन्होंने बग ढूंढा है इसमें बीटेक का कोई सहयोग नहीं, क्योंकि बीटेक 4 साल की होती है, वो अभी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, तो उन्हें कितना परसेंट सिखाया गया है और वो अभी ही ऐसा काम करें, यानी उनकी अपने स्किल्स मजबूती, तो उस पे आपको काम करना है, आपको अपने स्किल्स पे वर्क करना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपके कोर्स में क्या है, ये सब आपको नहीं देखना है। आपको अगर कुछ चीज सीखना है तो आप अभी से सीखने में लग सकते हो, उसे आपको बीटेक को बिल्कुल ही अलग कोर्स पास करने के लिए अगर आप पढ़ाई करोगे तो टीसीएस में जाओगे 3.5 लाख के पैकेज पे। ठीक है, उसी सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ाई मत करो, आप ऐसे पढ़ाई करो क्योंकि कंप्यूटर साइंस कितने सारे बच्चों के पास है। ठीक है, आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 1 भी शायद ये बग नहीं ढूंढ पाया, जो इन्होंने आईआईटी मणिपुर में तो रैंक इनकी 8,000-10,000 के करीब रही होगी, तो ये लड़का अगर ढूंढ रहा है तो इसका ये मतलब है कि रैंक में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि आपका स्किल क्या है, ये बचपन से ही इसमें इंटरेस्टेड था, तो ये चीज है। उसके बाद कई सारे बच्चे कहते हैं कि आईआईटी में होना जरूरी है ये करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं यार, आप कहीं हो किसी कॉलेज में हो, इंपॉर्टेंट चीज आपके पास स्किल होना चाहिए, वो चीज आपको आना चाहिए। क्या चीज? तो कोडिंग पे अच्छा आपका पकड़ होना चाहिए, और ये सर और क्या उसके लिए, देखो आप जानते हो कि जीसॉक भी होता है, गूगल समर ऑफ कोड, आप अपने जब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे तो वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है 6th सेमेस्टर में, तो वो आप इस टाइप का कुछ करके भी आप उसको सबमिट कर सकते हो, तो करना हर जगह है लेकिन बच्चे किसी तरह कहीं कहीं से कर लेते हैं। लेकिन ये सब जो चीजें जो रितुराज ने किया है तो ये सब बहुत अच्छी चीजें है, क्योंकि वो इसमें लगा हुआ था तो ये हो पाया। सिर्फ गूगल ही नहीं है ना, इतनी सारी कंपनी है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अनअकैडमी, पॉडजी में आप लोग जरूर इनरोल हो जाना 22 फरवरी को। यहाँ पे मैकबुक एयर और स्कॉलरशिप आप यहाँ पे जीत सकते हैं, और जो बैच स्टार्ट हो रहा है जेई मेन एडवांस 23 और 24, इसमें भी आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो जरूर जाओ और इनरोल हो जाओ, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉप फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, तो जरूर जाके इनरोल हो जाओ। सब कोडिंग पे ही चलती है, तो आपको अगर कोडिंग पे अच्छा पकड़ है तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। सेम बग नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, अगर आपका स्किल मजबूत है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर दो। आप उन्हें गूगल समर ऑफ कोड के बारे में, उसमें भी अप्लाई जब आप करोगे तो वहां भी आपको ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट टाइप का आपको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये मैं आपको सारा चीज बता दिया हूँ। ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आईआईटी हो, सीएससी हो, पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाए, पूरी नॉलेज नहीं, आप आज से अभी से जो भी बच्चे 11th 12th में है वो कर सकते हो चाहो तो, बस उन्हें अपना माइंड मेकअप करना है और इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं है कि ये करना ही करना है। ठीक है, बस उनका माइंड मेकअप होना चाहिए, ऐसा तो नहीं था कि ये आईआईटी बॉम्बे का छात्र, आईआईटी मणिपुर का छात्र था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।